रुड़की की मंडी में विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है। न्यू मंडी का मंडी निरीक्षक रिश्वतखोरी में गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 30,000 रुपए रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। आरा मशीन के लाइसेंस की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। बड़ी छापेमारी रुड़की की मंडी में, विजिलेंस टीम का छापा। न्यू मंडी का मंडी निरीक्षक रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ है। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। आरोप लगे हैं, गिरफ्तारी हुई है। आरा मशीन के लाइसेंस के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्यू मंडी का मंडी निरीक्षक है ये, जो रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ है। देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सत्र को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बयान इस पर आया है। सरकार की मंशा सत्र चलाने की नहीं थी, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का। सत्र को लेकर कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र किया और कहा कि सरकार की मंशा नहीं थी सत्र चलाने की। दरअसल समय से पहले ही ये सत्र संपन्न हो गया है और इसी पर बयान देते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नजर आई है। बिना बिजनेस के 5 दिन का सत्र आपने आहूत क्यों किया? सरकार ने बिजनेस क्यों नहीं लाई? क्यों आप अनुपूरक बजट लेके आए जब आपका टोटल जो पिछला बजट पास हुआ था उसका आपने 60% पैसा खर्च किया था, उसके बाद भी आप अनुपूरक बजट लेके आए? तो 5 दिन के विधानसभा सत्र के लिए आपको बिजनेस भी लेके आना चाहिए था। इन्हीं विधेयकों की अगर प्रतियां बांट दी गई होती और उनमें चर्चा कराई गई होती तो ये सत्र 5 दिन छोड़िए 10 दिन भी चल सकता था। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां उत्तराखंड के मदरसों के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। मदरसों में अब NCC, NSS और स्काउट लागू होगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बयान दिया है, मदरसों में भी स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग बच्चे लेंगे। मदरसों के लिए प्रदेश सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बयान दिया है, मदरसों में भी अब स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने ये नए निर्देश जारी किए हैं। NCC, NSS और स्काउट मदरसों में लागू होगी, यानी कि कुल मिलाकर अब जो स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग है वो भी इन बच्चों को दी जाएगी। मदरसों के बच्चे भी अब स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट है कि बच्चों को NCC से भी जोड़ना है, बच्चों को NSS से भी जोड़ना है, बच्चों को रोवर्स रेंजर से भी जोड़ना है, बच्चों को स्काउट गाइड से भी जोड़ना है, बच्चों को रेड क्रॉस संस्थाओं से भी जोड़ना है और बच्चों को सामाजिक बोध से भी जोड़ना है। तो हमने तय किया है कि जितने सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, एडेड स्कूल हैं, जितने हमारे संस्कृत स्कूल हैं, जितने हमारे मदरसे हैं, अल्पसंख्यक स्कूल हैं, इन सब जगह सारी चीज़ें हों, चाहे NSS के प्रोग्राम हों, चाहे NCC के हों, चाहे रोबर्ट्स रेंजर्स के हों, चाहे स्काउट गाइड के हों, और मुझे लगता है कि वहाँ के बच्चे भी चाहते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।